हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फ्लॉक्स विद सृष्टिमा। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी हो रहा है टाइम सुबह के 7:15 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। मतलब मैं उठी थी 7 बजे आज, क्योंकि आज है सबकी छुट्टी। आज है 19 तारीख और आज कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे। तो आज सबकी छुट्टी है, स्कूल में भी छुट्टी है, शिवाय की, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं, तो 7 बजे, मतलब लेट होता है हम लोगों का, तो हम लोग 7 बजे तक उठते हैं, और जल्दी होता है तो 5, 5:30 ऐसे उठते हैं। तो बस अभी उठे हैं और ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, मेरे हस्बैंड भी उठ गए, शिवाय भी जग गया है, तो वो लोग अभी वहीं लेटे हुए हैं रूम में ही आगे, और मैं भी आई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद ही लोग उठ के आएंगे। मतलब तो बस अभी चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, पानी बॉईल करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही हूँ और फिर उसी में चाय बना लूंगी। और चलिए चाय वाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। और गाइस, यहाँ पे मेरी चाय वगैरह बन गई थी और मैं शिवाय के लिए दूध लेके आ गई थी, और यहाँ शिवाय रो रहा है कि मुझे भी चाय पीनी है। एक दिन उसने थोड़ी सी टेस्ट की है, तो बस अभी वो इसी रीजन पे था कि मुझे चाय पीनी है। बट हम लोग बोले थे चाय पीने से काले हो जाते हैं, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, बाद में मान गया था और बस यही हो रहा था। और गाइस, आज छुट्टी है तो थोड़ा सा आराम से हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, अदरवाइज़ तो मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं सुबह में, तो वो खुद ही चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं, फिर मैं उठती हूँ। तो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं बनाती हूँ सुबह की चाय, वैसे तो वही बना के अपने आप पी लेते हैं। और बस ऐसे ही यहाँ पे शिवाय को हम लोग कुछ हंसाने की मैं कोशिश कर रही थी, ताकि दूध पी ले, क्योंकि वो बहुत नाटक करता है दूध वगैरह पीने में। गाइस, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे खाना वाना बनाने के बाद, लड्डू गोपाल के कपड़े लेने थे और मिठाई लेनी थी, तो बस इसलिए हम लोग जा रहे थे। हेलो गाइस, मैंने स्टार्ट किया था वीडियो सुबह में, बट आगे कंटिन्यू नहीं हुआ क्योंकि काम था आज। और गाइज़, आज है जन्माष्टमी, 19 तारीख है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और बस हम लोग, मतलब मैं रात में पूजा 12 बजे करती हूँ और व्रत वगैरह नहीं रहती हूँ, तो वही क्या बोलते हैं, दोपहर में हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए, मैंने कढ़ी चावल बनाया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि चलो पहले ले आओ चल के, क्योंकि लड्डू गोपाल के कपड़े जो अभी इस बार ऐसा हुआ कि अभी तक नहीं आए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि छुट्टी रहेगी तो आज ही ले आएंगे। तो बस हम लोग वही लेने चले गए थे और उसके बाद वहाँ से आए हैं। फिर हम लोगों ने, फिर मैंने आलू की भुजिया बनाई और फिर हम लोगों ने अभी खाना खाया जस्ट 3:30 बजे। तो बस इसीलिए, और व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि अभी, और शिवाय से बोला कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ, क्योंकि फिर 12 बजे तक तो वैसे भी जगना है, तो फिर वो 9 ही बजे उसको नींद आने लगेगी अगर नहीं सोएगा। और हाँ गाइज, आज मेरी जो सिस्टर है मेरे से बड़ी वाली, मतलब तो वो आ रही है यहाँ पे, तो वो भी रात में 11 बजे तक, मेरे ख्याल से 11 या 11:30 ऐसे ही हो जाएगा टाइम, तो आएंगे। तो आज खैर हम लोग जग ही रहेंगे, वैसे भी 12 बजे तक तो जगना ही है। बस इसीलिए फिर मिलते हैं फिर आगे बाद में, तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। गाइज, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो क्या बोलते हैं लैपटॉप का स्टैंड होता है, लैपटॉप रखने वाला ना, हाँ। वो होता है, तो वो इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, बट अच्छा क्रेट से, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है। सो जिससे भी मंगाया था, फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाया था,
तो ऐसा आया है कि वो बिल्कुल टाइट नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेकार निकला है, तो उसको शायद वापस ही करना होगा। बिल्कुल कहीं से भी वो सही से फिट नहीं हो रहा है, तो बस इसका यही ऑप्शन है कि ये वापस जाएगा। तो फिर वही है, बस काफ़ी देर से टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बट नहीं हुआ। एक तो आया है तीन चार दिन में आया है, और उसके बाद भी वो बेकार है। जो चीज़ ज़रूरत होती है वो बेकार ही निकलता है। तो बस अब इसे वापस करने की तैयारी, इसको पैक करके रख देंगे और चला जाएगा वापस। बोलो शिवाय, भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोल रहा था कि आज रात को 12 बजे मेरी मौसी आ रही है। 12 बजे की 11 बजे या 10 बजे, जिस टाइम भी आ जाए। 12 बजे भी आ सकती है, 11 बजे भी आ सकती है। और कौन आ रहा है? और सब लोग आ रही है। कौन सब लोग आई है? कुशल जी, मौसी और बबुआ मौसी। नहीं, मतलब कि बबुआ मौसी। मौसा नहीं आ रहे हैं? मौसा बस हो गया। हाँ। बोल चुके। हाँ। और कुछ नहीं। बोल लो, और कुछ सुनना है ना अभी? हेलो गाइस, अभी हो गए हैं रात के 11 बज गए हैं, और बीच का वीडियो नहीं आया था क्योंकि काम बहुत था और मेरा कूलर ख़राब हो गया था। तो उसी चक्कर में फिर मेरे हस्बैंड लगा रहे थे उसको, मतलब उसमें भी 1-1.5 घंटे चला गया था शाम को, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ भी देखिए रात के बज रहे हैं अभी 11, करेक्ट 11 बजा है, और मेरी सिस्टर आने वाली थी, मैंने आपको सुबह में बताया था, तो अभी आने वाली नहीं है, बल्कि आ चुकी है वो स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है, वहाँ से निकल चुकी है, बस आने वाली होगी, 10-15 मिनट में आ जाएगी। और बस आज है जन्माष्टमी, तो अभी सब लोग मतलब आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में आरती वगैरह कर लेंगे 12 बजे, मतलब अभी आएंगे फिर 12 बज ही जाएंगे, उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे। और खाना बना लिया है मैंने सब, और यहाँ पे देखिए जन्माष्टमी है, तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है बाहर, और थोड़े बहुत बलून अंदर लगा दिए हैं, ये देखिए, ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि टाइम नहीं था। और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो अभी उनको 12 बजे सब उनको नहलाएंगे और सभी करेंगे। और गाइस यहाँ पे सारी जो है प्रसाद वगैरह बना के रख लिया है नीचे, तो बस सारी तैयारी हो गई है, तो आरती करेंगे 12 बजे। वह तो नहीं रहती हूँ मैं, हाँ, तो आरती कर लेते हैं 12 बजे। तो अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने किसने जन्माष्टमी कल कर ली है और कौन कौन आज कर रहा है। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, बस आ जाए दीदी लोग, फिर मिलते हैं और मिलवाते हैं उन लोगों से आपसे। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं बाद में, आ जाइए लोग, फिर मिलवाते हैं। और हाँ गाइज, यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड और शिवाय अंदर बैठे हैं। शिवाय का तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब आएंगे, सुबह से है कि कब आएंगे। भैया देखिए शिवाय टीवी देख रहे हैं और अपना खेल रहे हैं बलून। हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और कुछ? बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। अरे दे दिए, कह रही हूँ हाँ ले रहे, आइए अभी कोई नहीं ले जाएगा वहाँ। लॉक कर दिए, छोड़ दो, बैग तो आ ही जाएगा, बाद में उठा लेंगे चप्पल। हाँ मन कर, गाइस यहाँ दीदी लोग आ गई थी, और एक शिवाय का टॉय है, छिपकली है कि गिरगिट है, उससे मैंने जीजू के ऊपर फेंका, तो वो उन्हें एकदम से लगा कि असली का है, तो बस हम लोग वही हंस रहे थे, तो प्रैंक हो गया आते आते ही। और बस यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे थे क्योंकि 11:30 बजे आ गए थे, तो मैंने पूछा चाय पियेंगे, तो सब लोग चाय वगैरह
पी रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने आरती वारती की थी, मतलब पूजा की थी। तो बस ये हो रहा था कि ऐसे ही सब लोग बात बात कर रहे थे और कृषा अपना मुंह बंद करके बैठी थी। और गाइज यहाँ पे देखिए शिवाय और युवानी का तो खेल चालू हो गया, बस गेम्स वगैरह और जो भी खिलौने रहते हैं इन लोगों का रहता है, यहाँ पे रहे या शिवाय लखनऊ जाता है तो भी वही हाल रहता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पूजा रूम में, मैंने नहा वहाँ लिया था पहले ही इसीलिए। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं और पूजा करते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फुल एंजॉय करिए। और ये तो भाई गंदा वीडियो तुम करती। हाँ सुनाओ। मैं गाने सुनाऊंगी सब लोग सुनना। एक मुर्गी के दो बच्चे थे, एक का नाम था मम्मा को बुलाती थी आता था, को बुलाती थी आता था। चिल्ला रहे हो तो गाइज यहाँ पे सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, मैंने बीच का नहीं लिया था। और पूजा वूजा करने के बाद खाना वाना खाया, उसके बाद यहाँ वहाँ जीजू और ये मेरे हस्बैंड लेट गए आगे वाले रूम में, बाकी सब यहीं पे हैं अभी। और मस्ती चल रही थी तो बस अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।